लैपटॉप या डेस्कटॉप की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए आप बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है वो परचेज करते हो और आपके जो पैसे हैं वो काफी वेस्ट जाते हैं। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसे आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो वो भी विदाउट एनी सॉफ्टवेयर के। तो चलिए आज इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे करें, ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, बीच में स्किप न करें। हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। आज का वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर विंडो 10 में स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं। तो वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, लेकिन मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हो तो आपको बिल्कुल भी किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, वो भी विदाउट वाटरमार्क के। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है, आप भी इसे एक बार है वो ट्राई करके जरूर देखिए यदि आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हो। जैसे आपके कोई भी फाइल, जैसे मान लो यूट्यूब पे कोई वीडियो है उसका आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हो, कुछ भी हो जिसका आप कोई भी अपना जैसे कोई लेक्चर वगैरह शूट करते हो या स्क्रीन को रिकॉर्डिंग करने के लिए आप स्क्रीन से रिलेटेड कोई भी वीडियो बनाते हो, तो उसके लिए आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो विदाउट एनी सॉफ्टवेयर भी कर सकते हो। कैसे? तो आज के वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको कुछ सेटिंग करनी होगी, तो क्या करनी है आप स्टेप बाय स्टेप है वो वीडियो को देखें। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन पे आना है, उसके बाद ऑल सेटिंग पे वो क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे गेमिंग पे ओके करना है। जैसे ही आप गेमिंग पे ओपन करोगे आपको दो नंबर ऑप्शन दिखाई दे रहा है कैप्चर नाम से, तो उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग ऑडियो है वो आपके ऑफ है, तो यहाँ से क्या कर लेना है ऑन कर लेना है, और जो बैकग्राउंड रिकॉर्डिंग है इसको भी ऑन कर देना है। ठीक है, फिर आप जैसे मान लो कि 30 फ्रेम के अंदर करना चाहते हो तो 30 में कर लेना, 60 में करना चाहते हो तो 60 में कर लेना, 60 में करोगे तो क्वालिटी है वो थोड़ी अच्छी आएगी, वो आप पे डिपेंड है आप कौन से पिक्सल के अंदर करना चाहते हो। यहाँ पे क्वालिटी भी आप स्टैंडर्ड या हाई जो भी करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पे, अब क्या करना है आपको। गेमिंग वाली मैं बैकग्राउंड गेमिंग प्ले वाली बंद कर देता हूँ। उसके बाद आपको करना क्या है, अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप के अंदर विंडो प्लस जी है वो दबाना है। तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना है, विंडो प्लस जी की है वो प्रेस करना है, तो आपके सामने कुछ ऐसा है वो ओपन होगा। तो आपको करना क्या है, सेटिंग के अंदर आना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे आपको ओके करना है, और यहाँ वहाँ पे आपको सिर्फ गेमिंग वाला ऑप्शन किया हुआ वो मिलेगा राइट, और यहाँ पे आपको ऑल करना है। ऑल मैं पहले से ही किया हुआ है मेरा, क्योंकि मैं ऑलरेडी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता हूँ इसीलिए। तो अब यहाँ से आपको कट कर देना है। अब जैसे ही आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है उसके लिए क्या करना है मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, तो आप देखते रहिए। तो जैसे आप सपोज करो कि मेरा ये यूट्यूब चैनल है और मैं इसकी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो करना चाहता हूँ, या आप जिसका भी जो भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हो, जैसे आप मुझे क्या करना है, विंडो प्रेस करके जी प्रेस करना है और अब मुझे इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है, तो मैं यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट कर दूँगा। तो देखिए यहाँ पर वो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो गई है और ये स्क्रीन है वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रही है। तो अब आप जैसे वीडियो है वो प्ले करोगे या ऊपर नीचे लोगे, सारा का सारा वो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रहा है। जैसे मैंने वीडियो यहाँ से प्ले किया तो ये भी वो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है। तो आप भी दोस्तों ऐसे हैं वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो वो भी विदाउट एनी सॉफ्टवेयर के। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जो पेड होते हैं, तो आप अपने पैसे वेस्ट करते हो, इससे अच्छा है कि आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो ऐसे भी बना सकते हो। अब मैं स्टॉप करके आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो चेक भी करा देता हूँ। तो अब इस वीडियो को आपको प्ले करना है तो विंडो और जी दबाना है आपको, और यहाँ पे आपको जो कैप्चर फाइल है वो मिल जाएगी, ये देखिए। तो ये वीडियो अभी हम लोगों ने जो है रिकॉर्ड किया था स्क्रीन से, तो वही वीडियो है तो आप लोग देख रहे होंगे। तो आप ऐसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिल रहा है तो एक लाइक तो बनता है, और बहुत ही ईजी है। फिर भी आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई है वो आपको दे दूंगा। धन्यवाद। तो
तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आपको? वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिल रहा है, तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।